हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दित फार्मेसी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का 9th चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का। ओके, सो इसका फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज ये सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे 9th चैप्टर का, जो है पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ वो है इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स किसका पार्ट होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जिसे आप बोलते हैं, ब्लड का एक पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है ब्लड का। सो देख लेते हैं इरेथ्रोसाइट्स के बारे में, एक्सप्लेन करना है किसको? आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को। दीज आर स्मॉल सर्कुलर डिस्क शेप सेल सस्पेंडेड इन ब्लड प्लाज्मा, राइट। देखिए ये कैसी स्मॉल सर्कुलर डिस्क शेप, डिस्क शेप आपने देखा होगा जो सीडी वगैरह आती थी उसमें, डीवीडी प्लेयर में लगाने वाली, उस शेप की ये जो सेल होती हैं, राइट। ऑल द सेल इन ग्रुप अपेयर एज अ रेड इन कलर एंड दस द ब्लड बिकम आर रेड कलर, राइट। जब ये सेल सारी ग्रुप में होती हैं तो ये क्या कलर शो करती है? रेड कलर शो करती है, और इसी के कारण जो आपका ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है, राइट। दे आर वेरी माइन्यूट, हैविंग डायमीटर 7.2 माइक्रोन, राइट। देखिए क्या होता है, जो ये आरबीसी होती हैं इनका जो डायमीटर होता है वो 7.2 माइक्रोन तक का होता है, उसके बाद नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है अडल्ट के लिए, पहला जो पॉइंट है वो अडल्ट के लिए, अडल्ट 5 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर, राइट। 5 मिलियन पर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब मिलीमीटर ऑफ ब्लड, राइट। अडल्ट के अंदर कितना? 5 मिलियन क्यूब मिलीमीटर ब्लड के, कितने? 5 मिलियन पर क्यूब मिलीमीटर होता है प्रेजेंट किसके अंदर? अडल्ट के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं मेल्स के अंदर, मेल जो होते हैं उनके अंदर 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूब मिलीमीटर ब्लड का, कितना? 5.5 मिलियन क्यूब मिलीमीटर। उसके बाद थर्ड वन इज इन फीमेल, फीमेल के अंदर 4.5 to 5 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ ब्लड। उसके बाद आ जाते हैं आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो, जो आरबीसी है वो प्रोड्यूस होती है रेड बोन मैरो में। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन ब्लड इज कॉल्ड इरेथ्रोपोयोसिस। देखिए क्या होता है, जो आरबीसी है उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है, राइट। रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो आरबीसी प्रोड्यूस होती है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है ब्लड के अंदर, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इरेथ्रोपोयोसिस। उसके बाद आ जाता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, राइट। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, एक प्रोटीनियस कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन, राइट। देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ही आयरन प्राप्त होता है किसे? ब्लड को। वो रेड कलर का दिखाई देता है, वो भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। रेड ब्लड सेल होती है रेड कलर की, उसके कारण भी रेड दिखाई देता है। लेकिन हीमोग्लोबिन क्या का मतलब होता है? कलर प्रोवाइड करना। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन मटीरियल कॉल्ड एज ग्लोबिन एंड नॉन प्रोटीन मटीरियल नोन एज हीम, राइट। देखिए अब क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसमें दो, हीमोग्लोबिन जो है वो दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड और प्रोटीनियस कंपाउंड, ठीक है। प्रोटीन मटेरियल और नॉन प्रोटीन मटेरियल दोनों को मिलाते हैं अगर, तो क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। द हीम कंटेन आयरन विच गिव रेड कलर टू द हीमोग्लोबिन, राइट। देखिए जो हीम है वो क्या रखता है? आयरन, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर देता है किसे? हीमोग्लोबिन को। टोटल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। टोटल जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी, जो जितने दिन जिंदा रहती है, कितने दिन रेड ब्लड सेल जिंदा रहती है बॉडी के अंदर, 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, महत्वता पे। फंक्शंस ऑफ आरबीसी या फिर इरेथ्रोसाइट्स, फर्स्ट वन है इट ट्रांसपोर्ट द गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए क्या होता है, जो आरबीसी का फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल का, अब देखिए ब्लड का क्या काम होता है? पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लंग्स तक लेके आना, ये काम होता है किसका? आपका
ब्लड का, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो बॉडी में हर जगह रिवॉल्व हो रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट मेंटेन एसिड बेस बैलेंस बाय बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। उसके बाद जो ये ब्लड है ये क्या, बफरिंग एक्शन, बफरिंग एक्शन क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए बफरिंग एक्शन का मतलब होता है, बफर सॉल्यूशन जो होता है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में एसिड बढ़ा देंगे या फिर थोड़ी सी क्वांटिटी में आप बेस बढ़ा देंगे तो उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा था वैसा का वैसा बना रहता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज आरबीसी हेल्प टू मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। जो आरबीसी रेड ब्लड सेल है वो ब्लड की विस्कोसिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट इज आरबीसी मेंटेन आयरन बैलेंस ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल है वो ही आयरन, जो आयरन बैलेंस होता है बॉडी के अंदर उसे मेंटेन करती है। फिफ्थ पॉइंट इज वेरियस पिगमेंट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ आरबीसी, एग्जांपल बिल्यूग्रिन एंड बिलीवर्डिन। अब देखिए क्या होता है, जो आपका आरबीसी है, आरबीसी का काम क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि वो बॉडी के अंदर वेरियस पिगमेंट आर ड्राइव्ड, बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट बनते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारे अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं फॉर्म हीमोग्लोबिन, और इन्हीं सब के कारण हीमोग्लोबिन ग्लोबिन बनाया जाता है, जो कि कैसा कलर होता है इसका भी रेड। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी का डिसइंटीग्रेट हो जाता है 120 साल के बाद, जैसे कि बिलियोनोबिन एंड बिलीवर्डिन, इस तरीके के एग्जाम्पल्स बताए। उसके बाद आए नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। अगर आप ब्लड पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे प्लेटलेट को, ब्लड को, उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर आप वहाँ डिफाइन कर देंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट जो है वो थ्रोम्बोसाइट कहलाते हैं, आरबीसी जो है वो रेथ्रोसाइट्स कहलाते हैं, तो ये फर्दर नेम इनके याद रखिएगा। ओके, सेकेंड वन इज दीज आर माइन्यूट स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ब्लड, राइट। ये क्या है, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो किस में ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज दे आर प्रोड्यूस बाय लार्ज सेल, देयर फोर मेगाकार्डियोस प्रेजेंट इन बोन मैरो, ठीक है। जो ये आपका हीमोग्लोबिन है ये कहाँ, लार्ज सेल में बनता है, ठीक है। जैसे फीमर की जो आपकी हड्डी है यहाँ पे क्या बनता है, रेड बोन मींस बोन मैरो होता है, लार्ज जो जितनी भी बॉडी में लार्ज आपकी बोन है वहाँ पे बोन मैरो का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद दे आर डिस्क शेप, ये डिस्क शेप की होती है, राउंड राउंड सर्कल होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड बॉडीज अबाउट 2 to 4 इन डायमीटर, राइट। नॉन न्यूक्लिएटेड बॉडी, इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और ये इनका जो डायमीटर होता है वो 2 से 4, ठीक है, ठीक है, 2 से 4 तक का इनका डायमीटर होता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट इज अबाउट 5 to 10 days। जो एक एवरेज लाइफ स्पान है आपका प्लेटलेट्स का वो है 2 से 5 दिन, ठीक है, एंड आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन। और जो ये आपकी प्लेटलेट्स हैं ये कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन के अंदर। अब इसे लिम्फेटिक सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जाते हैं नेक्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट्स के फंक्शन क्या क्या है, प्लेटलेट की महत्वता क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज द प्लेटलेट कंटेन थ्रोम्बोप्लास्टिन विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये केमिकल है, कंपाउंड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ब्लड क्लोटिंग के टाइम। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड वन इज द प्लेटलेट एग्यूलेशन हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग एज दे सील द स्मॉल लीकेज ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज, ठीक है। देखिए क्या है, जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम करता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे कि आपका जो स्मॉल लीकेज हो जाता है, जैसे इंजर्ड हो जाती है ब्लड कैपिलरी में भी, ब्लड वेसल में भी, तो वहां पे भी उसे फिलअप करने का काम करते हैं प्लेटलेट्स, जिससे कि ब्लड बाहर ना आ सके। थर्ड पॉइंट इज द प्लेटलेट एक्ट एज प्रोटेक्टिव मेजर फॉर एंडोथेलियल लिंकेजिंग ऑफ ब्लड वेसल।
राइट। अब देखिए, जो आपका प्लेटलेट होता है वो एक प्रोटेक्टिव मेथड, एक प्रोटेक्टिव मेजर है, ठीक है, किसके लिए? एंडोथीलियल लिंकेज ऑफ ब्लड वेसल्स। एंडोथीलियल जो टिश्यू होता है, उस ब्लड वेसल्स के बीच में जो लिंकेज होती है, राइट, वहां पे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो प्लेटलेट एज अ प्रोटेक्टिव काम करती है। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म्स। अब कुछ टर्म्स है जिन्हें एक्सप्लेन करना है, जैसे कि फर्स्ट वन है परप्यूरिया। परप्यूरिया क्या होता है? इट इज अ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ब्लड इन विच प्लेटलेट काउंट इज बिलो नॉर्मल। देखिए, परप्यूरिया एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, एक ऐसी संभावना है जहां पे जो आपका प्लेटलेट काउंट है, ठीक है, अगर वो कम हो जाता है, जितना होना चाहिए नॉर्मल, अगर उससे कम हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है परप्यूरिया। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे परप्यूरिया में मतलब ये है कि जैसे आपका नॉर्मल कोई भी आप कंडीशन है, ठीक है, अगर नॉर्मल आपकी प्लेटलेट्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मल आपको लग रहा है, तो उसके उस कंडीशन को बोलते हैं परप्यूरिया, जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बोलते हैं ना, किसी को फीवर हो जाए कि प्लेट गिर गई, मींस क्या है, वो प्लेट गिरती नहीं है, वो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज रेड पैचेस बैंथ द स्किन। रेड रेड पैचेस मिलेंगे पूरी स्किन के ऊपर, ठीक है। सेकेंड वन इज ब्लीडिंग इन द स्किन एंड म्यूकस मैम्ब्रेन। दूसरी चीज, स्किन में भी ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा और म्यूकस मैम्ब्रेन, जो जहां जहां पे भी म्यूकस मैम्ब्रेन प्रेजेंट है वहां भी आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। थर्ड इज द अपीयरेंस ऑफ लेसन, ठीक है, उसके बाद दे आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पे भी घाव हो गया है, छोटी सी चोट भी लगी तो वहां पे घाव हो गया है, तो ये कंडीशन होती है परप्यूरिया की। फोर्थ पॉइंट इज द कलर ऑफ लेसन इज फर्स्ट रेड। सबसे पहले तो देखिए, चोट जो लगी है उसका कलर पहले तो क्या रहेगा, घाव जो लगा है उसका कलर रेड रहेगा, फिर उसका उसके बाद धीरे धीरे करके वो ब्राउनिश येल्लो होता जाएगा, राइट। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन के कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं? फर्स्ट वन इज वाटर। यूरिन के अंदर 96% तक वाटर प्रेजेंट होता है। यूरिया 2% प्रेजेंट होता है। यूरिक एसिड, क्लोरीडाइड, देखिए ये यूरिक एसिड हुआ, कैथिनाइन हुआ, एमोनिया हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम या फिर हिप्पोरिक एसिड, ये सब ओनली 2% प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, राइट। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। अब यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज यूरिन इज एम्बर इन कलर। जो यूरिन है वो किस कलर का है? एम्बर है, एम्बर कलर का है, ठीक है। एम्बर कलर क्या होता है? अभी लास्ट में जैसे कि बताया, येलोइश टू ब्राउन, थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन की तरफ जाता जाएगा। वैसे नॉर्मल जो यूरिन आता है वो आता है येलो कलर का। उसके बाद सेकंड वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.020 to 1.0230, ठीक है। दूसरी चीज, ये कैसा होता है, नेचर कैसा होता है यूरिन का? एसिडिक नेचर का होता है ये। फोर्थ इज हेल्थी एडल्ट पासिस 100 to 1500 मिलीमीटर ऑफ यूरिन पर डे, ठीक है। जो एक हेल्दी पर्सन होता है वो 1000 से 1500 मिलीलीटर यूरिन को पास आउट कर देता है एक दिन के अंदर। उसके बाद व्हाट आर एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। अब यूरिन के जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जब अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाए यूरिन के अंदर तो क्या कंडीशन कहलाती है, अगर शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उससे कौन सी डिसीज हो सकती है, तो ये सारी चीजें अब हम देखते हैं कि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं यूरिन के। द फॉलोइंग आर एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। ये सब क्या है? एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके? यूरिन के। फर्स्ट वन इज देखिए प्रोटीन। अगर प्रोटीन की मात्रा यूरिन के अंदर ज्यादा हो जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? प्रोटीन्यूरिया। अगर शुगर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है आपके किसके अंदर, आपके यूरिन के अंदर, तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। ये सारी डिसीज है और ये क्या मेजर डिसीज है, प्रॉब्लम कॉज हो जाती है अगर आप ध्यान नहीं देते। अगर कीटोन बॉडीज की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो गया है आपका बॉडी किडनी के अंदर, तो उससे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? कीटोनूरिया। फोर्थ इज बाइल पिगमेंट एंड साल्ट। अगर बाइल पिगमेंट और साल्ट ज्यादा हो गया क्वांटिटी या फिर कम हो गई तो उससे किसकी प्रॉब्लम हो सकती है? जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ वन इज ब्लड। अगर ब्लड की ही
अगर ब्लड ज्यादा आने लगा यूरिन के थ्रू तो वो भी एक प्रॉब्लम है जो कि कहलाएगी हेमेटूरिया। उसके बाद पस, पस क्या होता है, अगर पस की प्रॉब्लम हो जाए तो इससे क्या हो जाता है, पायरिया, ठीक है, जिसे डिजीज बोलते हैं पायरिया। अब प्रोटीन, फर्स्ट वन लेना हमें प्रोटीन। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन इज कॉल्ड प्रोटो यूरिया। अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन प्रेजेंट है आपके यूरिन के अंदर तो वो कंडीशन कहलाती है प्रोटी न्यूरिया। द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन इन यूरिन इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन यूरिया एंड ग्लोब्यूलिन यूरिया। अगर देखिए एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है यूरिन के अंदर तो वो कहलाएगा एल्ब्यूमिन यूरिया या फिर ग्लोब्यूलिन यूरिया, ठीक है। अब देखिए जो ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन होते हैं ये भी एक टाइप के प्रोटीन होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। उसके बाद द प्रोटोनूरिया रिजल्ट इन फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन। देखिए फर्स्ट वन है ये कुछ ऐसी डिसीज दी हुई है, ऐसी कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो है नेप्थराइटिस। अब देखिए नेप्थराइटिस क्या होता है, मैं आपको बता दूं, नेप्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि इन्फेक्शन के द्वारा होती है, ठीक है। कोई भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसके कारण आप नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, पेशेंट को इन्फ्लामेशन आ जाती है, या फिर ये जो प्रॉब्लम होती है जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, ये किडनी का डिसऑर्डर है, किडनी की प्रॉब्लम है, राइट। क्यों, और ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि किडनी से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन बाहर हो रहा है तो उसके कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद आते थे रीनल ट्यूबरक्लोसिस। अब रीनल ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, जो ट्यूब आपका रीनल सिस्टम है मींस किडनी वाला सिस्टम है, वहां पे क्या अभी जो बोल सकते हैं जो आपकी गैस एक्सचेंजेस के जो पाइप है वहां पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे बोलते हैं रीनल ट्यूबरक्लोसिस। फोर्थ पॉइंट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन किडनी। अगर किडनी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और मींस हुआ है किडनी के अंदर किसी को कोई इन्फेक्शन तो वो कहलाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन किडनी। उसके बाद आ जाते हैं सुगर। अब सुगर से क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ सुगर इन यूरिन इज डिस्क्राइब्ड एज ग्लाइकोसूरिया। जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है सुगर के अंदर वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोसूरिया। दिस इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज ब्लड सुगर लेवल एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड सुगर है वो ज्यादा नहीं होता है उसकी क्वांटिटी ड्रग के अंदर, बस एक क्या थ्रेशोल्ड लेवल तक एक लेवल मेंटेन होता है, वहां तक उसकी क्वांटिटी जो है वहां तक उसका जो प्रोडक्शन है वो अगर पहुंच जाए तो। उसके बाद द ग्लाइकोसूरिया अकर इन द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया के अंदर दो पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है, फर्स्ट वन इज डायबिटीज मेलाइटस, सेकेंड वन इज रीनल ग्लाइकोसूरिया। उसके बाद कीटोन बॉडीज। अब कीटोन बॉडीज का क्या फंक्शन है, कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो क्या प्रॉब्लम कॉज करती हैं जॉइंट्स वगैरह के लिए, या फिर किस तरीके से कीटोन बॉडीज का काम होता है बॉडी के अंदर। अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ द बॉडी कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन इज नॉट अप टू द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, द इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ फैट्स आर ब्रोकन डाउन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे क्या बताया, अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज इज नॉट अप टू द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, ठीक है। जितनी क्वांटिटी में हमें जरूरत है एनर्जी की उतनी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज नहीं होता है जल्दी से जल्दी। द इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ फैट आर ब्रोकन डाउन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर फैट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन दिया, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज विच अपेयर इन द ब्लड कॉल्ड एज कीटोनेमिया एंड एक्सक्रीशन ऑफ द कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया, ठीक है। अगर कीटोन बॉडीज का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, आप ज्यादा प्रोडक्शन होता है कीटोन बॉडीज का अगर यूरिन के थ्रू तो वो प्रॉब्लम कहलाती है कीटोनूरिया, राइट।
ओके, फोर्थ वन इज बाइल पिगमेंट एंड साल्ट. अब बाइल पिगमेंट एंड साल्ट क्या होता है? सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टेरोकोलेट आर बाइल साल्ट, वाइल बिल्यूब्रिन एंड बिलीवर्डिन आर बाइल पिगमेंट. राइट, द प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट प्रोड्यूस ग्रीनिश येल्लो. जब हम पिगमेंट डालेंगे बाइल साल्ट के अंदर तो कैसा? पहले ग्रीनिश येल्लो दिखना चाहिए, फिर उसके बाद ग्रीनिश ब्राउन कलर जैसे टू द यूरिन, यूरिन के जैसे ब्राउन कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा. इनडिफेक्टिव लीवर फंक्शन एंड व्हेन द बाइल पासेस इज ऑब्स्ट्रक्टिव देन बाइल अपेयर इन द यूरिन. ठीक है, अगर आप बाइल को अच्छे से अंदर छुपा के नहीं रखोगे तो वो मींस क्या हो सकता है, यूरिन के साथ बहुत सारा बाइल बाहर निकल जाता है और वो एक प्रॉब्लम है जो कि आपको कॉज नहीं करनी होती है खुद से. ठीक है, ओके. उसके बाद आ जाते हैं ब्लड. अब ब्लड क्या है? व्हेन ब्लड अपेयर इन यूरिन द कंडीशन इज कॉल्ड हेमेटूरिया. अगर ब्लड दिखता है यूरिन के थ्रू किसी भी पेशेंट को तो वो कंडीशन कहलाती है मैं हेमेटूरिया. इन हेमोग्लोब्यूरिया द ओनली हीमोग्लोबिन पिगमेंट इज फाउंड इन यूरिन. ठीक है, हीमोग्लोबिनूरिया के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है किसके अंदर? यूरिन के अंदर. उसके बाद पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट वन इज हेमेटूरिया अकर ड्यू टू किडनी लेसन. हेमेटूरिया जो कंडीशन है वो किडनी लेसन मींस किडनी में अगर कोई चोट लगी हो, घाव हो, उसके कारण हुआ. सेकेंड इज हीमोग्लोबिनूरिया अकर्स इन एंट्रिक फीवर मलेरिया. हीमोग्लोबिनूरिया जो है वो क्या है? एंट्रिक फीवर में, मलेरिया में, हीमोलाइटिक पॉइजनिंग, ये सारी कंडीशन में भी क्या होता है आपका? ये सारी किससे रिलेटेड? ब्लड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम है. उसके बाद थर्ड पॉइंट इज स्नेक वेनोम कॉल्ड हीमोलाइसिस विच रिजल्ट इन प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन. राइट, स्नेक विनोम क्या होता है? मीन्स अगर आप क्या सांप का जहर. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन था वो किसके अंदर प्रेजेंट था? यूरिन के अंदर प्रेजेंट था. ठीक है, पस. अब पस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ पस इन द यूरिन इज टर्म्ड एज पायरुया. जब भी जो पस है वो प्रेजेंट होता है यूरिन के अंदर तो वो कहलाता है पायरुया. पायरुया इज कॉज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. जो पस है वो किसके कारण? अगर इन्फ्लामेटरी ब्लैडर में या फिर आपका यूरेथ्रा में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण, अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण क्या हो जाता है? पैल्विस ऑफ किडनी, जिसे आप पस भी बोल सकते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज. आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. ओके, थैंक यू सो मच.